की एक्टिविटीज़ करता रहता है कि वो आप लोगों को ये लोगों को समझाए, लोगों को एजुकेशन दे, आप क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत अच्छा है, मगर अब आजकल पाकिस्तान का जो बिजली है बहुत ख़राब हो रहा है ना, इसका तो बड़ों का हाथ है ना, बड़े जब सही हो जाए तो बिजली ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों का जो इलाका है उधर तो बिजली है ही नहीं, गवर्नमेंट का बिजली दिया ही नहीं है। छागी का इलाका है ना, उधर तो एटमी धमाका भी हुआ है सबसे, तो अच्छा अभी भी बिजली नहीं आई उधर, बिजली है नहीं, हमें अभी परेशानी नहीं है ना, लोड शेडिंग है कुछ भी नहीं। जिसके जिसको पैसा है वो थोड़ा बहुत जनरेटर स्टार्ट करते घर में लगाते हैं, बिजली होता है, वो ऐसे तो है नहीं। ये देखिए वो सही है, लेकिन आप अभी कराची में आए हुए हैं, कराची में जहाँ भी आप रहते होंगे अपने रिश्तेदारों के पास या जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ एक्स्ट्रा बल्ब जलते रहते होंगे। एक्स्ट्रा बल्ब आजकल ऐसे है कि लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसे है तो वो इसमें नहीं सोचते, वो सुबह जब आम करते तो तकरीबन वो बाद में नहीं सोचते किसको ऑफ करे, ये बात बिल्कुल उसके समझ में नहीं है। आजकल पाकिस्तान में जितने भी लोड शेडिंग इसी वजह से हो रहे हैं कि वो इस चीज़ पे नज़र नहीं करते, इसमें नहीं सोचते, वो कुछ और फजूल खर्ची में सोचते, मतलब इसमें नहीं सोचते, ये चलता रहे हर ये इसी चीज़ को हम बदलने के लिए यहाँ कराची में इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी सप्लाई कंपनी है वो इसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रही है कि लोगों को एहसास हो कि घर में बिजली, बेशक पैसे भी हैं, बेशक उनके पास वो बिल दे सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल वो जो है बिजली बचाएं। तो बिजली बचाने का बस एक है, गवर्नमेंट थोड़ा भी वो बिजली थोड़ा ज़्यादा दे ताकि लोगों को भी हो जाए कि भाई इस जगह में आज बिजली नहीं था, किस वजह से नहीं, क्यों नहीं हुआ है, तो पता चले कि अगर हम लोग ऐसे छाप करना है तो शायद किसी और के घर में बिजली हो जाए।